हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मसालेदार आलू की सब्जी के साथ आप सभी का द रेसिपी ट्रेलर में स्वागत है। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने दो टमाटर और दो प्याज ली हैं, इन्हें मोटा मोटा कट कर लिया है। अब मैं इन्हें मिक्सी में पीस लूँगी और इसका एक पेस्ट रेडी कर लूँगी। और साथ ही मैंने ली है इसमें चार हरी मिर्च। ये देखिए, बढ़िया सा हमारा ये पेस्ट रेडी हो गया है। चलिए अब करते हैं मसाले की तैयारी। मैंने लिया है 1/2 कप पानी और इसमें डाला है 1 बड़ी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ी चम्मच धनिया पाउडर और मैंने इसमें लिया है 1 छोटी चम्मच चना मसाला। आप कोई भी मसाला इसमें डाल सकते हैं। और मैंने लिया है 1 छोटी चम्मच नमक। अब इसे करेंगे मिक्स और इस हम मसाले के पेस्ट को अलग रख देंगे। मैंने 4 आलू को बॉईल कर लिया है और आलू को इस तरह से गोल गोल कट कर लिया था। ये देखिए, इतने मोटे मोटे पीसेस हमें रखने हैं। मसालेदार आलू की ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैंने ली है कढ़ाई, उसमें डाला है 2 बड़े चम्मच ऑयल, 1/2 कप ऑयल को अच्छे से गर्म करने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी 1 तेज पत्ते के 2 पीस करके और थोड़ी सी कसूरी मेथी और थोड़ा सा जीरा। अब इसमें मैं डाल दूंगी टमाटर प्याज का जो पेस्ट हमने रेडी किया था वो। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी नई नई रेसिपी आपको मिलती रहे। इस ग्रेवी को हमें 4 से 5 मिनट तक अच्छे से पकाना है। ग्रेवी हमारी पक गई है, ये देखिए ग्रेवी ने ऑयल छोड़ दिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी जो हमने मसाले का पेस्ट रेडी किया था वो। और इसे हमें पकाना है 3 से 4 मिनट और। और ये देखिए, ग्रेवी हमारी बढ़िया से पक करके रेडी हो गई है। और अब इस मसालेदार आलू की सब्जी को और भी टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच टमाटो केचप और 1 चम्मच ग्रीन चिल्ली सॉस। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा सब्जी में। एक बार ये ट्रिक जरूर ट्राई कीजिएगा। और अब हम इसे पकाएंगे 30 सेकंड तक और। ग्रेवी बढ़िया से पक गई है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 चुटकी गर्म मसाला ऊपर से। और ये देखिए, जब ग्रेवी इस तरह से ऑयल छोड़ने लगे तब समझ जाइएगा ग्रेवी हमारी बिल्कुल पक गई है। अब मैं इसमें डाल दूंगी बॉईल करे हुए आलू जो हमने गोल गोल कट किए थे। और ग्रेवी को हल्के हल्के हाथ से इस तरह से आलू पर हम डालेंगे ताकि हमारे जो बॉईल किए हुए आलू हैं वो बिल्कुल ही फूटे ना। और बहुत ही हल्के हल्के हाथ से हम सब्जी को चलाएंगे और सब्जी को बस 10 सेकंड तक हमें और पकाना है। सब्जी को बिल्कुल हमें लो फ्लेम पे पकाना है। ये देखिए, सब्जी हमारी पक गई है बढ़िया से। और ये देखिए, मसालेदार आलू की सब्जी हमारी खाने के लिए रेडी हो गई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।